उपजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को धर दबोचा। गया में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को धर दबोचा है। चारों की गिरफ्तारी बोधगया थाना क्षेत्र से की गई है। बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से झगड़ कर रेलवे स्टेशन पहुंच गई, जहां कुछ बदमाशों ने बहला फुसला कर ऑटो से बोधगया ले जाया गया। जब बदमाशों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, वहीं बदमाशों ने युवती को गया रेलवे स्टेशन से बनारस ले जाने के लिए फिराक में थे, लेकिन युवती बदमाशों के चंगुल से फरार हो गई और पुलिस के पास पहुंच गई, जहां युवती ने सारी बातें पुलिस को बताई। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए बदमाशों की पहचान की गई और सभी को धर दबोचा गया। दिनांक 24/7/23 को कोतवाली थाना को यह सूचना मिली कि एक पीड़िता को कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती उसके साथ किया जा रहा है तथा उसको बनारस ले जाने के प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के द्वारा तुरंत वहां से पीड़िता को रेस्क्यू किया गया तथा इस मामले में पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर यह पाया गया कि यह मामला बोधगया थाना क्षेत्र का है, तो महिला पदाधिकारी के संरक्षण में उसे बोधगया थाना ले जाया गया, जहां पर पीड़िता से पूछताछ के आधार पर उसके बयान के आधार पर बोधगया थाना कांड संख्या 626/23 दर्ज किया गया है। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि घर वालों के डांटने और फटकारने के कारण वो अपने घर से वहाँ से घर से भाग गई थी, और उसके बाद जब वो रात में गया रेलवे स्टेशन पर थी, तो एक लड़की के द्वारा अपने विश्वास को लेकर के सहायता पहुंचाने के नाम पर एक ऑटो ड्राइवर के साथ उसे बोधगया ले जाया गया था, और जहां पर ऑटो ड्राइवर एवं उसके यानी सहयोगियों के द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था तथा पुनः पीड़िता को बनारस ले जाने के लिए वो गया रेलवे स्टेशन पर आए थे, लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों के द्वारा कोतवाली थाना को सूचित किया गया था और कोतवाली थाना के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को रेस्क्यू किया गया तथा उसके बाद बोधगया थाना में कांड दर्ज करने के बाद इसमें सभी जो चार जो अपराधकर्मी हैं उनकी त्वरित गिरफ्तारी बोधगया थाना द्वारा किया गया है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनके नाम हैं राजा कुमार जो कि मगध मेडिकल थाना का रहने वाला है, हर्षित कुमार और शुभम कुमार जो कि बोधगया थाना के रहने वाले हैं, और जाहिद खान जो कि बोधगया थाना का रहने वाला है। इस कांड में अन्य जो अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास जारी है, और इस पूरे मामले में जिन पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है।